शेयर बाजार की चकाचौंध अगर आपको भी आकर्षित कर रही है तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। यकीन नहीं हो रहा तो देखिए ये आंकड़ा। बड़े बड़े विदेशी और घरेलू निवेशकों से ज्यादा पैसा शेयर बाजार में खुदरा निवेशक लगा रहे हैं। खुदरा निवेशक यानी आम जनता, आप और हम। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े बता रहे हैं कि शेयर बाजार की कंपनियों में लगे प्रत्येक 100 रुपए में 42 रुपए छोटे निवेशकों के हैं, जबकि कॉरपोरेट, विदेशी निवेशक और म्यूचुअल फंड्स सब ने मिलाकर कुल 58 रुपए लगा रखे हैं। 2 साल पहले तक स्थिति ऐसी नहीं थी। एक तरह से बाजार पर रिटेल निवेशकों की ये बातचाहत आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन जरा सोचिए कि इस वक्त अगर बाजार में तेज गिरावट आती है तो क्या होगा। ये बात भी काबिले गौर है कि आम जनता ही ऐसी है जो अपनी गाढ़ी कमाई बाजार में सीधे लगाती है। बाकी पेशेवर तो दूसरों का पैसा बाजार में लगाने के धंधे में है और बाजार को भी आम जनता से बेहतर जानते समझते हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में करीब 3,41,00,000 नए छोटे निवेशकों ने बाजार में एंट्री की है। कैश मार्केट सेगमेंट यानी नकद में शेयर खरीदने के आंकड़े देखें तो वे और उत्साहित करने वाले हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में तो छोटे निवेशक नवंबर तक 8 महीने में से 7 महीने में शुद्ध रूप से खरीदार बने रहे हैं। छोटे निवेशकों ने इस वित्त वर्ष के 2 महीनों अक्टूबर नवंबर में करीब 43,600 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो बाजार में कुल निवेश का करीब 42% है। अकेले अक्टूबर महीने में छोटे निवेशकों ने 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। जनवरी से दिसंबर 2021 के दौरान निवेशकों की इक्विटी होल्डिंग का संयुक्त मूल्य 21,00,000 करोड़ रुपए बढ़कर 55,00,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी बाजार की तेजी में खूब मुनाफा हुआ, लेकिन अब बाजार की ऊंचाई डरा रही है। बीते 1 साल में बाजार में आए निवेशकों को बाजार में अच्छा मुनाफा मिला, लेकिन पिछले 1 साल में चीजें तेजी से बदलती दिख रही हैं। निफ्टी का फॉरवर्ड पीई अब भी ज्यादा वैल्यूएशन का संकेत दे रहा है, यानी कंपनियां खरीदने के लिहाज से महंगी हो गई हैं। टॉप 500 शेयरों में से करीब 70% अपने 5 साल के औसत प्राइस टू बुक रेशियो से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। महंगाई कई साल के ऊंचे लेवल पर है, निकट भविष्य में इसमें नरमी का भी कोई संकेत नहीं दिख रहा। इस साल की बॉन्ड यील्ड 2 साल के उच्चतम स्तर 6.64% पर पहुंच गई है, जो इस बात का संकेत है कि ब्याज दरों में बदलाव अनुमान से पहले हो सकता है। दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने की कोई संभावना नहीं नजर आ रही। ऐसे समझ लीजिए छोटे निवेशक टिक टिक करते टाइम बम पर बैठे हैं, जो अगर फटा तो बाजार में भगदड़ मच सकती है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट वीके विजय कुमार कहते हैं कि ऊंचे वैल्यूएशन पर बाजारों में इस बात का जोखिम होता है कि तेजी से गिरावट आए। अब तो बढ़ती महंगाई और सख्त मौद्रिक नीति जैसे थपेड़े भी हैं। भारत के लिए कच्चे तेल की बढ़ती कीमत भी एक बड़ी चिंता है। ऐसे में गिरावट किसी भी समय आ सकती है। तो मनीनाइन की सलाह है कि बाजार के जोखिम को अच्छे से समझकर ही निवेश करें। उधार या कर्ज लेकर पैसे कतई निवेश ना करें। और हाँ, मोटे मुनाफे पर बैठे हैं और नजरिया भी छोटी अवधि का है, तो एक बार मुनाफा वसूली कर ही लीजिए।